what we did in the last lecture. I introduced blood to you. Blood, mesodermal in origin, हमारी body का liquid connective tissue है जो सारी body को आपस में connect करता है. 5 to 5.5 liters, in some books it is written 5 to 6 liters. तो ये इतना normally blood होता है normal ह्यूमन अडल्ट में. हम लोग 5 लीटर्स वैसे एवरेज ले लेते हैं. एक्चुअली मेल्स फीमेल्स की जनरल बॉडी में डिफरेंसेस आते हैं, दैट इज व्हाई एक रेंज लेकर के हम चलते हैं. सो 5 लीटर्स ऑन एन एवरेज ले लिया जाता है कि 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है. देन मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, जो मैंने आपको 3 लेयर्स बताई थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. तो ये मेसोडर्म से बनता है. और इसमें हमने क्या कुछ किया था, हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स कर लिए थे, डिफरेंट कंपोनेंट्स. ब्लड के कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था कि इसमें इसका 55% प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स इसमें 45% इसके ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे. प्लाज्मा हमने डिटेल में किया था. प्लाज्मा में मैंने आपको बताया था अगर 100% प्लाज्मा लेते हैं तो 90 to 92% इसमें वाटर होता है. देखो बच्चे, प्लाज्मा का 90 to 92% वाटर है, ब्लड का नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना. और प्रोटीन्स इसमें होते हैं 6 to 8%. प्रोटीन्स में मैंने आपको बताया था कि इस पर भी सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है. प्रोटीन्स इसमें होते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन. एल्बुमिन जो होता है इसका गाढ़ापन, इसको ब्लड नहीं, ये पानी होल्ड करने में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी होती है एल्बुमिन की, तो उसकी विस्कोसिटी मेंटेन करता है, पानी इसमें होल्ड करके रखता है, वॉल्यूम मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है. देन एल्बुमिन, देन ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन को हम क्या बुलाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बुलाते हैं बेटा, क्योंकि ये वाले वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं. एक तरीके से ये एंटीबॉडीज हैं. तो ये IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD गेम्स करके नेमोनिक मैंने आपको बताया था, जिससे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं. देन कम्स फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन. फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं बेटा, वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो इनको हम क्लॉटिंग प्रोटीन्स बोलते हैं. दिस वॉज ऑफ यू दैट. देन आई टोल्ड यू कि बाकी रेस्ट 1 to 2% अदर थिंग्स होती हैं. अदर थिंग्स में क्या कुछ होता है, हमारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है उसी से आप गेस कर सकते हैं कि अदर्स में क्या कुछ होगा. हालांकि अमाउंट बहुत कम है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है. फूड कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे, इसमें फूड कंपोनेंट्स में क्या कुछ होता है, सिंपली आप लोग अब्सॉर्ब चीजें है ना, तो ग्लूकोज होगा इसमें बट एक एडिक्वेट अमाउंट. अगर नॉर्मल लेवल्स में, एक नॉर्मल लेवल मेंटेन करना होता है ग्लूकोज का, अगर नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, जो कि डायबिटीज में हमें देखने को मिलता है, अगर नॉर्मल लेवल से कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया जैसे आप लोग देखते हो मॉर्निंग असेंबली में, लोग उसकी एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि कुछ बच्चे बेहोश हो रहे होते हैं बिकॉज वो ब्रेकफास्ट नहीं करके आते. जिस ब्रेकफास्ट नहीं करके आते तो उनके ब्लड में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज नहीं होता है. एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ब्लड में नहीं होता है तो ब्रेन को नहीं पहुंच पाता. जब ब्रेन को नहीं पहुंच पाता तो वो एक्टिव उतने नहीं रह पाते, दैट इज वाई उनको चक्कर वगैरह आते हैं. फाइन. देन और कौन से फूड कंपोनेंट्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स होंगे उसमें, राइट, ग्लूकोज, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फ्रक्टोज, वो सारे मोनोसैकेराइड्स होंगे. देन मिनरल्स होंगे बेटा. मिनरल्स में मैंने आपको बताया था क्या कुछ होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, दीज कंपोनेंट्स व्हाट ऑल आर रिक्वायर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ होगा इसमें. देन विटामिन्स होंगे, फिर रेस्पिरेटरी गैसेस इसमें होती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको ये ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये गैसेस इसमें होती हैं. इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स में इसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं. इनको ले जाकर के किडनी में फिल्टर करती है, यूरिन फॉर्मेशन करता है, ह्यूमंस यूरिया रिलीज करते हैं बेसिकली. फाइन. तो ये सब कंपोनेंट्स होते हैं. इसके अलावा इसमें आगे आता है, इसके अलावा एक बेसिक चीज मैं आपको और बताऊं, हॉर्मोन्स भी इसमें होते हैं. हॉर्मोन्स में होते हैं, हॉर्मोन्स जैसे हमारे ग्रोथ हॉर्मोन होता है, सारी बॉडी जनरली ग्रो कर रही है, कौन लेके जाता है उसको, सारी बॉडी रिलीज तो नहीं करती ना, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सारी बॉडी में कौन लेके जाता है ग्रोथ हॉर्मोन को, ब्लड. फाइन. और
एक और चीज, एक पॉइंट में आपको और बताना चाह रही हूँ, हिपेरिन। हिपेरिन एक एंटी कोएगुलेंट होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि फिब्रिनोजन ग्रोथ हार्मोन क्लॉटिंग प्रोटीन से क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब चोट लगती है तब वो क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो ना कर जाए। लेकिन जगह जगह तो ब्लड रुकता नहीं जा रहा ना, जगह जगह तो क्लॉट नहीं होता जा रहा, तो उसको रोकने के लिए कौन हेल्प करता है? हिपेरिन। ये प्रोटीन भी वैसे इनएक्टिव होते हैं, कैसे एक्टिव होते हैं वो हम अगले में डिस्कस करेंगे। इनएक्टिव होना इनका जरूरी है ताकि जगह जगह पे ब्लड क्लॉट ना करे। प्लस हिपेरिन जो होता है वो एंटीकोएगुलेंट होता है, ये हमारे ब्लड में घुला हुआ होता है ताकि एंटी मतलब अगेंस्ट, कोएगुलेशन मतलब क्लॉट होना उसका, तो वो क्लॉट होने नहीं देता है। ये भी हमारे ब्लड में एडिक्वेट अमाउंट में होता है। फाइन, एंटीकोएगुलेंट का क्या बेसिकली फंक्शन होता है? आपने कई बार देखा लीचेस होती हैं, जो लीच क्या करती है, खून चूसती है, तो वो खून चूसने से पहले वो क्या करती है, एंटीकोएगुलेंट अपना रिलीज कर देती है हमारे ब्लड में, जहां पे भी उसने अटैक करना होता है। उसका जो लीच रिलीज करती है एंटीकोएगुलेंट, उसका नाम होता है हिरुडिन। तो वो क्यों पहले ये सिक्रीट करती है फिर खून चूसना शुरू करती है? ताकि जिस टाइम वो खून चूस रही है उस टाइम पे खून रस्ते में क्लॉट ना हो, तो एंटीकोएगुलेंट का ये काम होता है। हम आर्टिफिशियली उसका हीरोडिन जो है, हम आर्टिफिशियली जब हमने ब्लड स्टोर करना होता है तब हम हीरोडिन यूज करते हैं, बट हमारी बॉडी में नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? हिपेरिन है, ताकि बॉडी में जगह जगह पे ब्लड क्लॉट होता हुआ ना आए। दिस वाज ऑल अबाउट यस्टरडेज लेक्चर, आई जस्ट टोल्ड यू टू मोर पॉइंट्स एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द ब्लड सेल्स। द ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स मतलब, कॉर्पस मतलब बॉडी होता है, कॉर्पसल मतलब छोटी छोटी बॉडीज, तो ये ब्लड की बॉडीज बनाते हैं। सॉलिड सॉलिड पार्ट ब्लड में जो होता है वो ये ब्लड सेल्स होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ब्लड सेल्स। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स। फाइन, तो ब्लड सेल्स होते हैं तीन तरह के। कौन से तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, इनको हम बोलते हैं RBCs। फाइन, एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको हम बोलते हैं WBCs। देन होते हैं हमारे प्लेटलेट्स, इनको बच्चे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। साइट्स मतलब सेल, थ्रोम्बस बनाने में जब हमारे चोट लग जाती है, जैसे मैंने आपको बताया फिब्रिनोजन ग्रोथ हार्मोन को हेल्प करता है कोएगुलेट करने में, ये सबसे पहला रोल ये प्ले करते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। जब चोट लग जाती है तो वो क्लॉट सा जो बन जाता है थ्रोम्बस वहां पर बनता है, तो वो थ्रोम्बस बनाने में हेल्प करते हैं। सो थ्रोम्बोसाइट्स, साइट्स मतलब सेल्स। अभी इसका इतना फैंसी सा नेम है थ्रोम्बोसाइट्स, तो इनका भी वैसा होना चाहिए भाई, तो क्या नाम होगा इनका? इसका रेड से रिलेटेड होगा, इसका व्हाइट से रिलेटेड होगा। इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। साइट मतलब सेल, एरिथ्रोस मतलब रेड। ये याद रखना आपको, ये एरिथ्रो वर्ड बहुत काम आने वाला है। रेड सेल्स, एरिथ्रोस मींस रेड, साइट मतलब सेल, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स। ये एक्चुअली व्हाइट नहीं, क्लियर होते हैं, ठीक है? तो इनको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स, यानी क्लियर सेल्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी हम एक एक करके इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ आरबीसीज। आरबीसीज आर रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मली हमारी बॉडी में कितने आरबीसीज होते हैं? देखो आपको ध्यान होगा ब्लड कितना था, 5 to 5.5 liters या 5 to 6 liters, राइट? तो इसके आसपास ही होते हैं। नॉर्मल मैंने आपको बताया था नॉर्मली हम 5 liters लेते हैं। No? इसी से हम याद रख सकते हैं, हमें कुछ ज्यादा अलग डाटा याद नहीं करना पड़ेगा। ये होते हैं 5 to 5.5 million पर क्यूबिक एमएम। एक क्यूबिक एमएम में 5 to 5.5 million आरबीसीज होते हैं। क्लियर? ये होते हैं 6000 to 8000 पर क्यूबिक एमएम।
डब्ल्यूबीसी 6000 to 8000 पर क्यूबिक एमएम। और प्लेटलेट्स कितने होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। बिल्कुल बेटा, हम ब्लड की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स ये यूज हो रही है, इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यूबिक एमएम यूज हो रही है। ये क्यों यूज हो रही है? बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर दिस। ये सब कुछ आप मेजर करोगे जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में जाओगे। आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, मैंने आपको बताया, एक सब्जेक्ट होने वाला है जिसमें आप प्रैक्टिकल्स में ये सारे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करोगे। देन यू विल कम टू नो व्हाई वी आर यूजिंग दीस यूनिट्स एंड ऑल। सो अभी हार्ड वर्क करना शुरू कर दो और ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज नियरली 18 to 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं। 90 क्वेश्चन होते हैं टोटल और इसमें से नियरली 18 to 20 क्वेश्चन इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आ जाते हैं। तो इस यूनिट पे, इन 7 चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस आपको रखना है, इसीलिए मैं सबसे पहले ये करा रही हूँ। फाइन, चलो अभी नंबर देखो ध्यान से। 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, 6000 to 8000 पर क्यूबिक एमएम, 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख to 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। अगर इनका रेशो लेकर के देखें तो क्या बनेगा? रेशो बनेगा 600:1:30। ये इन तीनों का आपस में रेशो बनेगा 600:1:30। किस किस का रेशो है? RBCs is to platelets। इन तीनों का ये रेशो है आपस में। अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेल्स के बारे में टर्न बाय टर्न। आई एम गोइंग टू रब दिस, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद RBCs। नोट दिस रेशो डाउन। लेट्स स्टार्ट विद RBCs। बिफोर दैट वन करेक्शन यू हैव टू मेक इन योर मॉड्यूल्स। ये थ्रोम्बोसाइट्स है, यहाँ पे ना THE भी लिख रखा है आपके मॉड्यूल में, THE नहीं होगा यहाँ पे। थ्रोम्बोसाइट्स के प्रॉपर स्पेलिंग यही है, थ्रोम्बो करके THROMBOCYTES। फाइन, एक आधी और स्पेलिंग है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। फिलहाल हम RBCs पे स्टार्ट करते हैं। RBCs का नॉर्मल नंबर 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है, नॉर्मल नंबर ये होता है, ठीक है। अभी अगर इस नंबर से देखो, ये सभी का एक एक नॉर्मल नंबर है, अगर इन नॉर्मल नंबर से इनका नंबर बढ़ जाए या कम हो जाए, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक, या दैट विल बी द साइन ऑफ अ प्रॉब्लम। फाइन, ये भी प्रॉब्लमेटिक होगा इनका नंबर बढ़ना या कम होना, लेकिन वो साइन भी होता है ज्यादातर किसी डिजीज का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये नॉर्मल नंबर है, अगर इसका नंबर नॉर्मल से बढ़ जाए तो उसको हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोसिस। एरिथ्रोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइटोसिस, यहाँ पे साइटोसिस वर्ड आ गया, यानी कि सेल्स का नंबर बढ़ गया, नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरा अगर कम हो जाए तो एरिथ्रोसाइटोपीनिया, क्लियर, एरिथ्रोसाइटोपीनिया। सिमिलरली ल्यूकोसाइट्स का नंबर बढ़ जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस, कम हो जाए तो ल्यूकोसाइटोपीनिया। ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स में सब कुछ होता है। इसका थ्रोम्बोसाइटोसिस, सोचो थ्रोम्बोसाइटोसिस कितनी खतरनाक होगी, है ना, ऐसे क्राउड होता रहेगा। देन थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। अब बेटा नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा ना कि हाँ सेल कम हुए हैं, किसी बंदे ने फलाने में चेक कराया उसके सेल कम हुए हैं, पंजाबी में हम लोग कहते हैं सेल कटे हुए हैं किसी दिन, है ना। तो ये सारी बातें जब आप सुनते हो वो क्या होती है? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। वो बेसिकली प्लेटलेट्स की, ज्यादातर जो आजकल चल रहा है वो डेंगू फीवर में हो रहा है ना, डेंगू फीवर की बात करते हैं, हाँ उन्हें डेंगू हो गया जी, उनके सेल कट गए। सो दैट रीजन, उसका रीजन क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। डेंगू फीवर में, जिसको आप डेंगू बोलते हैं ना, डेंगू फीवर को डेंगू बोलते हैं आप लोग, तो उसमें क्या होता है, ये वाले प्लेटलेट्स होते हैं जिनका नंबर काफी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, ठीक है। सेल कम हो गए हैं जो डेंगू में, तो वो कौन से सेल्स कम होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं बेसिकली, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये इनके नॉर्मल नंबर से डेटा हम लेते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ RBCs। RBCs का नॉर्मल नंबर ये होता है, नॉर्मल शेप में ये साइटोसिस और पीनिया रन कर रही हूँ, ठीक है। आई वोंट गेट एनफ स्पेस टू राइट इट डाउन, अदरवाइज ओके आई विल राइट इट डाउन हियर। एरिथ्रोसाइटोसिस एंड एरिथ्रो
एक कारण ये भी है, अगर रेशियो देखें तभी मैंने आपको बताया था 600:1:30, ये 600 टाइम्स है देन इससे. दैट इज वाई जब ब्लड बाहर निकलता है, प्लाज्मा मैंने आपको बताया है कलर का होता है, रेड कलर का नहीं होता, ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है. तो इतने ज्यादा ये होते हैं, इसीलिए वो जब ब्लड बाहर आता है तो उन्हें रेड दिखाई देता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ऑब्वियसली, इनका नंबर बहुत ज्यादा है, दैट इज वाई ब्लड हमें रेड दिखाई देता है. क्यों रेड होती है कि वो सब हम डिस्कस करते हैं. रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये बनते कहां पे हैं? दे आर फॉर्मड इन अडल्ट्स. In adults, they are formed in red bone marrow. What is a red bone marrow? Bone marrow दो तरह की होती है. Bone marrow क्या होती है? एक हड्डी होती है. हमारे long bones of red bone marrow भी ये बनता है. जैसे ये जो हमारी लंबी लंबी हड्डियां हैं, इसका हम longitudinal section. पहले बात सुनो, ये longitudinal section है. इसी हड्डी का इस तरीके से काटेंगे तो यूं cross section होगा. ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन TS लिखा हुआ होगा टेक्स्ट बुक्स में, TS या LS. बोन, इस बोन की कोई डायग्राम नहीं है क्रॉस सेक्शन या TS की, वैसे बता रही हूँ जनरल जो डायग्राम बताई होती है उसमें TS लिखा होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन. ट्रांसवर्स मतलब इस तरीके से काट देना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब लंबाई से काट देना. तो इसके मैं अभी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की अगर बात करूं, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर बीच में से हम ले लेंगे तो यहाँ पे इसके सेंटर में कुछ मैरो होगी, यहाँ पे होगी और थ्रू आउट भी लेंथ होगी. तो ये जो इसके एंड्स पे मैरो है ये रेड बोन मैरो होती है, और ये सेंटर में जो है ये येलो बोन मैरो होती है. फाइन, और इसकी रेड बोन मैरो है जिसमें क्या बनते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स. इन अडल्ट्स रेड बोन मैरो गिव्स राइज टू द आरबीसी. क्लियर? इसका नॉर्मली साइज कितना होता है? अगर हम आरबीसी को देखें तो आरबीसी कैसे दिखेगी? नॉर्मली सेल ज्यादातर से क्या गोल होते हैं, तो इसको इस तरीके से पकड़ेंगे डिस्क जैसा हमें यू गोल दिखेगा. लेकिन इसको अगर यू काट करके हम इस पोर्शन को रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? ये हमें इस तरीके से दिखाई देगा. दोनों साइड से देखो कंकेव दिखाई दे रहा है. कंकेव और कन्वेक्स याद है आपने, जैसे ये इस तरीके से कुछ लेंस किए थे 10th स्टैंडर्ड में, कन्वेक्स है ये, कंकेव होता है, राइट? ये इसका इधर वाला सरफेस एरिया कनकेव है और इसका ये वाला सरफेस एरिया कनवेक्स है यार. तो उसी तरीके से ये दोनों तरफ से क्या है? कनकेव है. दैट इज व्हाई हम इसके शेप को क्या बोलते हैं? बाय कनकेव. और इस तरीके से ये जो गोल है कितना डायमीटर होता है इसका? ये डायमीटर होता है बच्चे 7 to 8 माइक्रोमीटर. ये यू नहीं है, मॉड्यूल में भी ध्यान देना, ये यू नहीं है, इसको हम यू नहीं लिखते. आई थिंक मेबी मॉड्यूल्स में इस तरीके से लिखा गया बिकॉज़ टाइटस डोंट नो बायोलॉजी. तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है? 7 to 8 माइक्रॉन्स या 7 to 8 माइक्रोमीटर्स इसका डायमीटर होता है. और ये रेड क्यों होते हैं? ये रेड होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, ग्लोबुकोल. हीमो एक आयरन कंपोनेंट होता है, इसमें आयरन एक कंपोनेंट होता है. ये हीम पोर्शन का बना होता है, ग्लोबिन का बना होता है, और हीम को बनाने में आयरन भी काम आता है, ठीक है? ग्लोबुलिन से फिर आपको वो याद आएगा ना, इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी ये प्रोटीन है, प्रोटीन पार्ट है. और इसका जो हीम पार्ट है इसमें आयरन भी कंट्रीब्यूट करता है. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी हीमोग्लोबिन किसका बना हुआ, लेकिन हीम पार्ट में आयरन भी कंट्रीब्यूट करता है. अब इसके अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो आरबीसी को क्या प्रोवाइड करता है? रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन कैसे भरा होता है? एक्चुअली क्या होता है, ये जो आरबीसी होते हैं जब ये रेड बोन मैरो से बनते हैं उस टाइम पे इनके अंदर जो भी एक नॉर्मल सेल के अंदर कंपोनेंट्स चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए वो होगा, गॉल्गी चाहिए वो होगा, सभी कंपोनेंट्स होंगे. लेकिन जब ये सेल्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, जब ये सेल्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, अपना फंक्शनल टेकअप करना शुरू कर देते हैं, तब इनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, इनका गॉल्गी खत्म हो जाता है, इनके सारे सेल ऑर्गेनाइज खत्म हो जाते हैं. और यानी कि इन्होंने अपना एक बार फंक्शन अटेन कर लिया, न्यूक्लियस सेल का दिमाग होता है ना, तो इन्होंने अपना फंक्शन अटेन कर लिया एक बार कि अपने जो भी इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है वो अटेन कर लिया. लेकिन उसके बाद ये अपने मतलब की सारी चीजें
यानी अपने लिए जिंदगी नहीं जिएंगे हम, अपने सारे सेल ऑर्गेनाइज जिन्होंने त्याग दिए, ठीक है, तो अपने सारे सेल ऑर्गेनाइज ये क्या करेंगे, त्याग देंगे और हीमोग्लोबिन से भर जाएंगे, हीमोग्लोबिन से सारे भर जाएंगे। तो हीमोग्लोबिन से भर के अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे हमारी सेवा, क्या करेंगे, हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। आपको याद होगा हीमोग्लोबिन किस काम में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। फाइन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टेम्पररी बॉन्ड होता है जो टिश्यूज के पास जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल जाती है, हीमोग्लोबिन वापस अलग हो जाता है उससे, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो इस तरीके से ये हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मैं रेस्पिरेशन में कंप्लीट डिटेल कराऊंगी इन सब चीजों की, लेकिन फिलहाल सबके लिए जस्ट कि ये पहले न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ इसमें होता है, लेकिन जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं, वो होते हैं बच्चे ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि उनके अंदर जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनाइज भी एब्सेंट होते हैं और वो हीमोग्लोबिन से भर जाता है ताकि वो हमारा रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सके। नॉर्मल अमाउंट हीमोग्लोबिन की कितनी होती है, 12 से 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। नॉर्मली आप लोग सुनते हो ना, लोग बातें करते हैं उसका खून कम हो गया, खून कम हो गया, नॉर्मली जब ब्लड टेस्ट करा के रखते हैं खून कम हो गया, वो खून का कैसे कम हो सकता है, 5 to 5, ये जो हमने 5 liters ऑफ ब्लड की बात की वो कम नहीं होता, लोगों को जनरली नॉलेज नहीं है इतनी, तो वो इसको बोल देते हैं एक्चुअली, वो खून नहीं कम होता, जो कहते हैं इसने फलानी लड़की में सिर्फ 12 ग्राम खून रह गया, तो वो 12 ग्राम खून नहीं होता ऑब्वियसली। अब हमने देख लिया कि हम ब्लड को ग्राम्स में नहीं देखते, ब्लड है 5 liters, तो वो जो कहते हैं ना 12 ग्राम खून ही रह गया उसमें या 9 ग्राम खून ही रह गया उसमें, तो वो हीमोग्लोबिन की बात कर रहे होते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर डॉक्टर बन के यहीं पे इंडिया में प्रैक्टिस करना, तो जैसे लोग बता रहे हैं, लोग अपनी चीजें बताते हैं, रिपोर्ट्स लेके आते हैं, तो उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए वो जनरली ऐसी बातें करते हैं, हीमोग्लोबिन को वो ब्लड बोलते हैं, अदरवाइज वो हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल अमाउंट हीमोग्लोबिन की होती है 12 to 16 grams पर 100 ml ऑफ ब्लड, दिस इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 days का इसका लाइफ स्पैन होता है। तो 120 days के बाद इसका क्या बनता है, 120 days के बाद ये खत्म कहाँ पे होते हैं, ये खत्म होते हैं स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन को, क्योंकि खत्म स्प्लीन के अंदर होते हैं, तो स्प्लीन को हम कहेंगे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड का क्या मतलब होता है बेटा, कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। सो स्प्लीन इज कब्रिस्तान ऑफ आरबीसीज। क्या होता है स्प्लीन, स्प्लीन एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो हमारे लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, हमारे एब्डोमिनल सेगमेंट में लेफ्ट साइड में वो प्रेजेंट होता है। सिर्फ एक ही स्प्लीन होता है एक ह्यूमन के अंदर, वहां पे जाके ये आरबीसीज खत्म हो जाते हैं, यानी कि स्प्लीन उनका कब्रिस्तान हो जाता है, ठीक है। आई होप थिंग्स अबाउट आरबीसीज आर क्लियर। लेट अस डिस्कस अबाउट डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स नाउ। इनका नॉर्मल नंबर मैंने आपको बताया 6000 to 8000 पर क्यूबिक एमएम होता है, और ये इनसे बहुत ही कम होता है, 600:1 रेशियो है, तो बहुत ही ज्यादा इनसे इनका नंबर कम होता है। क्लियर सेल्स होते हैं, यानी कि इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। एचबी में हीमोग्लोबिन क्या है, इसमें एब्सेंट है। क्लियर, ये इनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब इनकी कैटेगरीज को डिस्कस करने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी आपको इसकी बताना चाहती हूँ। ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे हम बोलते हैं डायपिडेसिस, ठीक है। डायपिडेसिस क्या होता है, ये एक तरीके से जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ये हमारे बॉडी के फौजी होते हैं, ठीक है। तो ये जहां पे भी जरूरत पड़ती है डिफेंस करने की तो ये वहां पहुंच जाते हैं, तो इनमें कैपेसिटी होनी चाहिए। एक्चुअली डब्ल्यूबीसीज बहुत तरह के होते हैं, सब में नहीं, बट डब्ल्यूबीसीज की ये प्रॉपर्टी शो करते हैं सभी डब्ल्यूबीसीज में। आपको ध्यान नहीं होगा कैपिलरीज हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ की थी, तो
कैपिलरीज मैंने आपको बताया था, सिंगल सेल से सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से लाइन होती है। तो जब भी बॉडी में कहीं जरूरत पड़े, कोई पैथोजन आ गया, उसको अटैक करना है, उसको खा जाना है इसमें जाके, तो ये क्या करेंगे, ये जो WBCs होंगे, तो ये WBCs अपनी शेप चेंज करके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये WBC घूमता फिर रहा है कैपिलरी में, तो अभी ये क्या करेगा, ये अपनी शेप चेंज करके यहाँ से स्क्वीज होके इधर से, ये देखो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, ये इधर से निकल जाएगा, निकल के जाके उस पैथोजन पे अटैक करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कैपिलरीज में से यू स्क्वीज आउट होके निकल जाने की, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायपेडेसिस। और ये तीनों में से सिर्फ और सिर्फ WBCs ये शो करते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्लियर। अभी WBCs जो होते हैं क्रॉसली दो तरह के होते हैं, ये हम किस हिसाब से इस कैटेगरी में बांट रहे हैं, हम बांट रहे हैं कि अंडर द माइक्रोस्कोप हमें ये कैसे दिखाई देते हैं, उस हिसाब से ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, क्लियर। अब हम इनको देखने के लिए कुछ डाइज यूज करते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। चलो पहले मैं ये बताती हूँ, ग्रैनुलोसाइट, साइट अगेन मीन सेल, ग्रैनुलो यानी ग्रैनुलर, यानी कि जो भी सेल होगा उसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स या दाने हमें दिखाई देंगे, ठीक है। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में किसी भी तरह के दाने या ग्रैनुल्स दिखाई नहीं देते, ए मतलब एब्सेंट, ठीक है, आगे ए लग जाए जिस चीज के आगे, यानी एब्सेंट, ए ग्रैनुल यानी कि इन सेल्स में ग्रैनुल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इनमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें ग्रैनुल्स एब्सेंट होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ये जो इसके ग्रैनुल्स होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, तीन तरह के हम कह सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम इन सेल्स को तीन कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, हम जब भी इन सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हम दो कलर्स की डाइज यूज करते हैं ज्यादातर, उसमें से एक होती है रेड कलर की और दूसरी ब्लू या पर्पलिश कलर की होती है, ठीक है जी। तो रेड कलर की जो डाई होती है वो एसिडिक होती है और इसका नाम होता है इओसिन, क्लियर। जो ब्लू कलर की डाई होती है ये बेसिक इन नेचर होती है, ज्यादातर बेसिक फंक्शन हम यूज करते हैं, एक मिथाइलिन ब्लू भी यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पे बेसिक फंक्शन और इरोसन जैसे यूज हो रही है। आपको नाम करने की डाई का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका पता होना चाहिए कि रेड कलर की डाई एसिडिक होती है और उसका नाम इरोसन है, ब्लू कलर की डाई बेसिक होती है, ठीक है। अब ये आगे कैसे काम आएगा ये फैक्ट हमारे, वो मैं आपको बताती हूँ। ग्रैनुलोसाइट्स को तीन कैटेगरीज में बांटेंगे, न्यूट्रोफिल्स, फिल, फिर से अभी अपनी उसी बुकलेट में लिख लें, फिल का मतलब है लविंग, ठीक है, न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल, देन बेसोफिल बेसिक लविंग, देन इओसिनोफिल, इओसिन मैंने आपको बताया एसिडिक टाइप है, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स, बिकॉज दे लव एसिडिक टाइप। अब होता क्या है, ये जो होते हैं इनका न्यूक्लियस होता है मल्टीलोब्ड, मल्टीलोब्ड का मतलब क्या है, न्यूक्लियस है, इसके बहुत सारे लोब्स बने होंगे, ठीक है। और इधर ये जो बेसोफिल है ये होता है बाइलोब्ड, यानी कि कुछ इस तरीके से लगा लो दो लोब्स हैं, इओसिनोफिल्स ट्राइलोब्ड होंगे, तीन हमें उसके लोब्स दिखाई देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसे नहीं, मैं जस्ट वर्ड्स का मतलब आपको बता रही हूँ, दिस इज मल्टीलोब, दिस इज बाइलोब, दिस इज ट्राइलोब, ये आपके उसमें लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल्स में, क्लियर। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया इन तीनों में ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो ये न्यूट्रोफिल होगा, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस के अलावा इसमें तीनों को मैं एक बार ब्रॉड स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ये जैसे मैंने आपको बताया बायलोब्ड है एंड दिस इज ट्राई, ठीक है। तो अब इसके अलावा क्या होता है, ये बेसोफिल दे लव बेसिक डाई, बेसिक डाई कौन से कलर की है, ब्लू कलर की, तो इसके हम एक्चुअली करते क्या है, स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर एक स्मीयर बना लेते हैं हम, आरबीसी को अलग करके तो हम एक स्मीयर बना लेंगे, स्मीयर में हम स्मीयर मतलब एक पतली सी लेयर बना लेंगे सिंगल सेल के एक स्लाइड के ऊपर,
फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती है, लेकिन माइक्रो स्लाइड के ऊपर जिसके ऊपर सेल्स हैं, तो वहां पे हम एक्चुअली डिटेल में आपको टेक्निक भी बता सकते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड कि एक स्लाइड के ऊपर एक स्मीयर यानी कि एक लेयर ऑफ सेल्स बन गया। तो उसके ऊपर हम पहले एसिडिक डाई डाल देंगे, कुछ टाइम तक रखेंगे, जिन सेल्स की ग्रैन्यूल्स को एसिडिक डाई के साथ अफिनिटी होगी वो उसको अच्छे से पकड़ लेंगे, ठीक है, अपने साथ पकड़ बना देंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे अच्छे से, और जिनमें नहीं होगी उनमें क्या होगा, अभी दो मिनट तक हम एसिडिक डाई डाल के रखेंगे, उसके बाद हम इसको हल्का वॉश कर देंगे, देन हम बेसिक डाई उसके ऊपर डाल देंगे, स्लाइड को कवर कर देंगे बेसिक डाई से, फिर कुछ टाइम तक रखेंगे, जिनको बेसिक डाई से एफिनिटी होगी एसिडिक से नहीं होगी उनमें एसिडिक वॉश हो जाएगी डाई, और बेसिक डाई को उसके ग्रैन्यूल्स पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है, जो वॉश ये डाई डाली कुछ टाइम तक रखा वॉश किया, फिर ये डाली कुछ टाइम तक रखा वॉश किया, उसके बाद हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो क्या होता है बेसोफिल यानी रेयर बेसिक लविंग डाइस, तो इसके ग्रैन्यूल्स हमें कैसे दिखाई देंगे, हमें ब्लूइश कलर के दिखाई देंगे, आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम्स बने हुए हैं, मैं भी दिखा दूंगी स्कीमेटिक्स आपको दिखा दूंगी, लेकिन आपको फॉलो एनसीईआरटी डायग्राम्स, तो इसमें मैं अभी न्यूक्लियस नहीं ड्रॉ करूंगी ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए, न्यूक्लियस आई एम नॉट ड्रॉइंग बट ऑब्वियसली न्यूक्लियस इज देयर, मैंने आपको बता दिया डिफरेंट लोग, तो इसमें ताकि आपको ब्लू क्लियर ज्यादा प्रोमिनेंट दिख जाए ब्लू कलर, क्योंकि ब्लूइश ग्रैन्यूल्स इसके हमें दिखाई देंगे, वेयर एज दिस वन इसमें हमें रेड कलर के ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे, ठीक है जी। तो दे आर इओसिनोसिल्स बिकॉज इट्स ग्रैन्यूल्स लव ईओसिन डाई दैट इज एसिडिक डाई, सो इओसिनोफिल या एसिडिक डाई, फिल मतलब अफिनिटी या लव एंड एसिडिक और इओसिन डाई लव बेसोफिल बेसिक डाई, और इसमें न्यूट्रल सा होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन सा होता है, जो इसके ग्रैन्यूल्स में दोनों का कॉम्बिनेशन सा, हमें ब्लूइश रेड इसके ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं, तो न्यूट्रल होते हैं फिर आप बोथ ऑफ देम, सो न्यूट्रोफिल्स के दिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इनमें किसी भी तरह के दाने या ग्रैन्यूल्स नहीं होते, ये दो तरह के सेल्स होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है जी, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, इनमें किसी भी तरह के ग्रैन्यूल्स नहीं होते। अब मैं इनकी रिलेटिव परसेंटेजेस आपको बता दूं, ये होता है 60-65% पर 100, अगर हम स्लाइड के ऊपर 100 डब्ल्यूबीसी काउंट कर रहे हैं तो नियरली 60-65 हमें न्यूट्रोफिल्स दिखाई देंगे, इसका नंबर होता है 0.5-1%, यानी कि 100 में से कई बार एक दिख जाता है, कई बार एक भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो बेसिक ये जो एसिडोफिल होते हैं ये 2-3% होते हैं, क्लियर। देन मोनोसाइट्स जो होते हैं ये 6-8% होते हैं और लिम्फोसाइट्स 20-25% होते हैं, ये परसेंटेजेस आप याद रखना बिकॉज ये आपको आगे हेल्प भी करेंगी, किस चीज में हेल्प करेंगी, इवन की कॉलेज जाके भी हेल्प करेंगी, अभी तो एमसीक्यूज में हेल्प करेंगी करेंगी, कॉलेज में जाके भी आपको क्या होता है, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब आप ये एक्सपेरिमेंट्स करके जब भी किसी काउंट करने होते हैं आपको, तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में 100 बॉक्सेस बना लेते हैं, तो उन 100 बॉक्सेस में हमें यूं लिखना होता है कि हमने क्या देखा, मोनोसाइट देखा तो एम लिख दिया, लिम्फोसाइट देखा तो एल लिख दिया, न्यूट्रोफिल एन लिख दिया, बी फॉर बेसोफिल, ई फॉर, तो ऐसे लिखना होता है 100 बॉक्सेस में कि क्या क्या देख रहे हो, जैसे जैसे देख रहे हो स्लाइड पास कर रहे हो वैसे वैसे लिखते जाओगे, तो उसमें कई बार क्या होता है एग्जामिनर आने वाला होता है, हमें टाइम लग जाता है, तो हम वहां पे खैर एग्जाम्स में चीटिंग नहीं चलती, लेकिन कई बार हम लोग ये ट्रिक यूज कर लेते हैं कि हमें परसेंटेजेस पता होती हैं तो बेसोफिल हम ज्यादातर वहां पे शो ही नहीं करते, अगर हमें बहुत श्योर होता है कि बेसोफिल दिख रहा है तो हम शो कर देते हैं, अदरवाइज ये नंबर से हमारे सब भी काम आते हैं, तो ये परसेंटेजेस आप याद रखना, कॉलेज तक जाके भी आपको ये काम आएंगे इन योर वेरी फर्स्ट ईयर, तो ये परसेंटेजेस वगैरह आप करिए ना। और मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, मैंने रखा हुआ है यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाने के लिए, इनकी न्यूट्रोफिल की इतनी ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है इसमें, लेकिन इओसिनोफिल और बेसोफिल की आप लोग फोकस कर पाओगे, इओसिनोफिल्स में ये देखो बायलोब्ड भी आपको दिखाई दे रहा है, तो लेकिन यहाँ पे जो देखने की चीज है ये ग्रैनुलर सा थोड़ा दिख रहा है, बेसोफिल आपको ब्लूइश सा दिख रहा है,
बेसोफिल ब्लूइश सा दिख रहा है, ये इओसिनोफिल है, मोनोसाइट्स और ये लिम्फोसाइट, ये दोनों क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टॉन्सिल सबके पास होते हैं,
लेकिन वो जो लोग कहते हैं कि मेरे टॉन्सिल हो गए, तो वो टॉन्सिल ही टॉन्सिलाइटिस हुआ होता है। आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, आइटिस इन्फ्लामेशन, टॉन्सिल की इन्फ्लामेशन टॉन्सिलाइटिस। ठीक उसी तरीके से आइटिस वर्ड्स हम यूज करेंगे, जैसे ग्लॉसाइटिस, ग्लॉसो मतलब टंग, टंग की इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स और भी आइटिस यूज हो जाता है जहां पे इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, इन्फ्लामेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वैसे हम इन्फ्लामेशन इन डिटेल नेक्स्ट ईयर भी करेंगे, लेकिन अभी तरीके क्योंकि काफी ये आइटिस वर्ड आता रहता है टर्मिनोलॉजी में, तो इवन फॉर ए फ्यूचर ये ट्रिक याद आएंगे आपको कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। रेडनेस, स्वेलिंग, हीट होती है, यानी कि टेम्परेचर इस पोर्शन का बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, एक्चुअली एक ट्रिक होती है जो कॉलेज में जाके मैंने पढ़ी थी, और कॉलेज में जाके जब मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसी इच्छा हो रही थी कि काश प्लस वन में मेरे टीचर ने मुझे ये बताई होती, तो इसीलिए मैं प्लस वन में ही आप लोग को बता देती हूँ। एक्चुअली कुछ किसी और लैंग्वेज के टर्म्स यूज किए थे उन्होंने, र्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर और फंक्शुलेसिया। आई थिंक स्पेलिंग्स की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, लेकिन ट्रिक है, जस्ट ट्रिक के लिए आप ये भी स्पेलिंग याद कर सकते हैं। ठीक है, रूबर, ट्यूमर, कॉलर, डॉलर, फंक्शुलेसिया। रूबर वर्ड से आपको आर्स और रूबर, आर्स और एडनेस याद रहेगा, ये अलग लैंग्वेज है जिसमें मतलब इनके सेम है एक्चुअली में। वो कैसे आपको ध्यान में रहेगा मैं आपको बताती हूँ। रूबर मतलब रेडनेस, ट्यूमर, ट्यूमर में हम कह देते कि ट्यूमर हो गया, कोई गांठ सी बन जाती है तो ट्यूमर हो गया, तो वो ट्यूमर हो गया यानी बढ़ गया है साइज उस चीज का, तो यानी कि स्वेलिंग हो गया। कैलर, आप लोग देखते हुए कि कैलोरीज में हम कहते ना कितनी है, जैसे लड्डू खा के आप कह रहे हैं कि 2000 कैलोरीज हमने ले ली, तो वो क्या होता है, एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी भी एक तरीके से वो हीट जनरेट कर रही है ना, लाइक आइडिया लगा लो याद करने के लिए है ना। तो कैलोर यानी टेम्परेचर, कैलोरीज में एक्चुअली टेम्परेचर को भी मैसे मेजर करते हैं, फिजिक्स में ये सब कर लोगे कि क्यों मैं ये कैलोर वर्ड यूज कर रही हूँ इसके लिए। तो कैलोर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। डॉलर, डॉलर कैसे याद रहेगा भैया आपको, क्या करता है, आपकी एक पेन टैबलेट लेते हो ना डोलो, जिसके अंदर पैरासिटामोल होती है, पेन के लिए लेते हो, तो वो डोलो वर्ड इसका हिस्सा है ना डॉलर का, तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये पेन इंक्रीज हो जाता है इस एरिया में। फंक्शनलेसिया मतलब लॉस ऑफ फंक्शन, तो जब भी हमें किसी भी ऑर्गन में ये सारे फीचर्स देखने को मिले, वो लाल हो जाए, उसकी स्वेलिंग हो जाए, टेम्परेचर उसका बढ़ जाए, हीट है उस एरिया में दर्द हो रहा है और उस एरिया और वो पर्टिकुलर ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हम मान के चलते हैं कि वहां पे क्या हो गई है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। ठीक है, इट इज नथिंग टू डू विद प्लेटलेट्स, अभी हम डब्ल्यूबीसी का ही कर रहे हैं, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, और इन्फ्लामेशन में क्या होती है इन्फ्लामेशन, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है बाय द हेल्प ऑफ दीज फीचर्स। क्लियर, देन बेसोफिल्स वो सेल्स होते हैं जो हमें इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में वो हेल्प करते हैं। आई रिपीट, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इधर एक ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स, ये दोनों क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस। बेसोफिल्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, ये लिम्फोसाइट्स भी हमें डिफेंस सेल्स, हमारे डिफेंस सेल्स होते हैं, और लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब बी और टी का क्या मतलब है, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं एक्चुअली बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो एंड टी स्टैंड्स फॉर थाइम्स। ये वो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जहां पे ये बनते हैं मैच्योर होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं बोन मैरो के अंदर, टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होकर अपना फंक्शन अटेन करते हैं कहां पे, थाइमस के अंदर। टी लिम्फोसाइट गेट मैच्योर्ड एट थाइमस एंड बी लिम्फोसाइट गेट मैच्योर्ड एट बोन मैरो, दैट इज व्हाई दे बियर देयर नेम्स एज बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स
बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इनके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी अभी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी कि ये ब्लड में एंटीबॉडीज रिलीज करके ये हेल्प करते हैं। ह्यूमर, ह्यूमर्स का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो ह्यूमर्स के थ्रू यानी बॉडी फ्लूइड के थ्रू वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाई ह्यूमोरल इम्यूनिटी, क्योंकि वो एंटीबॉडीज ब्लड में रिलीज करके हेल्प कर रहे हैं। टी लिम्फोसाइट्स खुद सेल्स हैं जो खुद जाके अटैक कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इसको हम कह देते हैं कि ये प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि ये खुद एज सेल्स वहां पे चले जाते हैं, क्लियर, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन ये टी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल में भी हेल्प करते हैं, इसको भी एंटीबॉडीज बनाने के लिए असिस्ट करते हैं। ये डिटेल हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज में करेंगे। फिलहाल के लिए क्या करना है, लिम्फोसाइट्स दो तरह के हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, क्योंकि ये बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, ये थाइमस में मैच्योर होते हैं, क्लियर। थाइमस वो ग्लैंड है जो जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वो डीजनरेट होता रहता है, दैट इज वाई बुजुर्गों में कहते हैं इम्यूनिटी काफी वीक होती है, क्योंकि थाइमस में बिल्कुल ही नहीं रह जाता, ठीक है। आई रिपीट, आई रिपीट टुडेज लेक्चर वंस, आई विल जस्ट रिपीट द आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज थोड़ा सा करूंगी नहीं रिपीट, क्योंकि मैंने पहले रिपीट कर दिया था। आरबीसीज का नॉर्मल नंबर 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम सबसे ज्यादा होता है, 600:1:30 की रेशियो। ये क्या है, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, 6,000 to 8,000 पर क्यूबिक एमएम, ये 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम, ठीक है, 1.5 lakhs to 3.5 lakhs पर क्यूबिक एमएम, ऐसे भी लिख सकते आप उसको। देन आरबीसी बढ़ जाए, एरिथ्रोसाइटोसिस ये बढ़ जाए, ल्यूकोसाइटोसिस वो बढ़ जाए, थ्रोम्बोसाइटोसिस कम हो जाए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया और एरिथ्रोसाइटोपेनिया, क्लियर। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियस होता है। प्लेटलेट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों, ध्यान देना, इसके नीचे जरूर लिखा गया, लेकिन प्लेटलेट्स हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, प्लेटलेट्स हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे वर्ड बना लेते हैं इसका, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्लियर। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये इसको रेड कलर भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी डिटेल हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में करेंगे। कमिंग टू WBCs, WBCs 6,000 to 8,000 पर क्यूबिक एमएम, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, दैट इज व्हाई दे आर कलरलेस, क्लियर। और दो तरह के ग्रैनुलोसाइट्स, एक ग्रैनुलोसाइट्स माइक्रोस्कोप में जिनके अंदर वो दाने दिखते हैं, इसमें दाने नहीं दिखाई देते। देन दाने कौन सा रंग लेते हैं, मैं हम दो डाई से इनको स्टेन करते हैं, ये ब्लू वाली डाई को पकड़ लेते हैं, ये रेड वाली डाई को पकड़ लेते हैं, रेड वाली डाई एसिडिक होती है, तो एसिडोफिल, एसिडिक डाई का नाम इओसिन होता है, तो इओसिनोफिल। बेसिक डाई ब्लू कलर की होती है, तो उसको पकड़ लेते हैं, सो बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स दोनों को थोड़ा न्यूट्रल होता है, यानी कि एक तरीके से, ठीक है। देन ये दो ये जो होते हैं ये क्लियर होते हैं, कोई इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते। देन अभी हम फंक्शन, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप होता है और इसका बोल होता है, ठीक है। देन इसका मेजर फंक्शन न्यूट्रोफिल्स का और मोनोसाइट का मेजर फंक्शन होता है, फेगोसाइटोसिस, बेसोफिल का मेजर फंक्शन होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, इओसिनोफिल का एलर्जिक रिएक्शंस में, मोनोसाइट्स का अगेन न्यूट्रोफिल जैसा ही, फेगोसाइटोसिस लिम्फोसाइट्स भी डिफेंस में हेल्प करते हैं। बी और टी दो तरह के होते हैं, बी मैच्योर होते हैं बोन मैरो में, टी मैच्योर होते हैं थाइमस में। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी इनके चीफ फंक्शंस होते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होती है, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू विद द हेल्प ऑफ योर ट्यूमर कैलोडॉलर फ्रॉम शो प्लेस किया। जहां पर भी आपको दिक्कत लगती है पॉज करके वीडियो को एक बार ध्यान से देख लिया करें। प्लेटलेट्स हम नेक्स्ट में करेंगे, प्लेटलेट्स के साथ ही इनका चीफ फंक्शन कोएगुलेशन हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे। वी डिड नॉट स्टडी एनीथिंग अबाउट प्लेटलेट्स टुडे, इनके अंदर जरूर लिखा गया है, बट वी हैव स्टडीड अबाउट दिस थिंग टुडे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, और पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर आप अटेंड करेंगे। थैंक यू।
थैंक यू ऑल।